सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल एचडी प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट करती है। दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें कर्व्ड एमोलेड पैनल मिल रहा है, जो कि एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आते हैं, जो कि फन टच 14 पर बेस्ड है। और भाई दोनों फोन्स के अंदर आपको 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। तो इस हिसाब से तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम और यूआई दोनों ही मामलों में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बड़ी हैं। लेकिन यार ये तो दोनों फोन्स की यूआई है ना भाई, ये हॉट ऐप्स हॉट गेम जैसे अजीबोगरीब ब्लोटवेयर्स आपको जरूर से देखने को मिलेंगे। यार यहाँ पर दोनों ही कंपनीज को ना भाई ये ब्लोटवेयर का देने बंद कर देने चाहिए यार, क्योंकि इससे यूजर एक्सपीरियंस भाई खराब होता है। पर ये कहते हैं हम तो देंगे देंगे क्योंकि हम इससे पैसा कमाते हैं। और चिपसेट की बात करें तो भाई वीवो के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट मिल रहा है, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। दोस्तों पुराना चिपसेट है भाई साहब, यूट्यूब पे आप कोई भी 4K में वीडियो नहीं देख पाओगे, कोई HDR कंटेंट नहीं आप प्ले कर पाओगे। और यही सेम चिपसेट आपको किसी भी 12,000 वाले फोन में भी देखने को मिल जाएगा, जो चीजें बंदे 24,000 में दे रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो भाई वीवो के लिए तो यार ताड़ियां होनी चाहिए इतना एवरेज प्रोसेसर इतने महंगे फोन में देने के लिए। ये भी गजब की कंपनी है भाई, ये गजब की टोपीबाज कंपनी है भाई। True. That's pretty true. और वहीं दूसरी तरफ आईक्यू के अंदर हमें डायमेंसिटी 7300 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों ही मामलों में सिर्फ और सिर्फ यहां पर आईक्यू का फोन ही विनर है, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें डायमेंसिटी 7300 मिल रहा है, जो कि सच में यार बिल्कुल अल्टीमेट गेमिंग आपको करवा देगा। ये वीवो की तरह नहीं भाई साहब, बिल्कुल पुराना प्रोसेसर, ये 24,000 में चेप रहे हैं बंदे। और एंट्रोड्यूस स्कोर वीवो फोन का आता है सिर्फ 4,10,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ आईक्यू फोन का आता है भाई 7,10,000। तो भाई बढ़िया एंड्रॉइड के मामले में भी यहां पर आईक्यू का फोन ही विनर है। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में किसी वाले को बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया और उनका कैमरा सेटअप भाई बिल्कुल सेम है, यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। देखिए दोस्तों दोनों फोन्स का जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का भाई अच्छे डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई दोनों फोन्स के कैमरा सैंपल सब स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं कि इनके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को भाई बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। लेकिन यार ये तो दोनों फोन्स के में हमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिल रहा है, ये तो सिर्फ यूजलेस कैमरा है। चलो आईक्यू का प्राइस कम है, अल्ट्रा वाइड नहीं दिया मैं मान सकता हूं, लेकिन ये वीवो का क्या भाई, 24,000 के प्राइस पॉइंट में भी हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं दे रहे बंदे, कितनी गलत बात है यार। इन्होंने सिर्फ पैसा ही बचाया और कुछ नहीं किया। और दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप वीवो के बैक कैमरा से सिर्फ 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ आईक्यू के बैक कैमरा से 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। सेल्फी लवर्स की अगर मैं बात करूं तो यार वीवो के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ आईक्यू के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। देखिए दोस्तों आईक्यू का फ्रंट कैमरा अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा, लेकिन यार सेल्फी की डिटेलिंग और भी ज्यादा चाहिए ना, तब आप यहां पर डेफिनेटली वीवो की तरफ ही जरूर से जाइए और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो यार वीवो फोन 5000 mAh की भाई छोटी बैटरी के साथ में आता है, सही में यार छोटी बैटरी मिल रही है हमें वीवो फोन के अंदर। वहीं दूसरी तरफ आईक्यू फोन के अंदर हमें 5500 mAh की भाई बड़ी बैटरी मिल रही है। भाई 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आपको आईक्यू फोन के अंदर काफी इजीली मिल जाएगा, ये वीवो की तरह नहीं 5000 देख कह रहे भाई बस हो गया हमारा तो। और फास्ट चार्जिंग दोनों फोन यहां पर 44 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। प्राइस पॉइंट के हिसाब से आईक्यू का फोन ठीक फास्ट चार्जिंग के साथ में आ रहा है, लेकिन वीवो का यार 24,000 रुपए में भी हमें बताओ सिर्फ 44 वाट फास्ट चार्जिंग मिल रहा है। आईक्यू का तो चलो दोस्तों प्राइस पॉइंट कम है तो इस हिसाब से 44 वाट भाई फिर भी ठीक है, जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन ये वीवो का क्या यार। दोस्तों आईक्यू तो देखो कम प्राइस पॉइंट पे आ रहा है तो 44 वाट जच रहा है फिर भी इसके ऊपर, लेकिन वीवो का क्या यार 24,000 रुपए में भी हमें सिर्फ 44 वाट फास्ट चार्जिंग दे रहे हैं बंदे, कितनी कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं ना यार ये। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन फुली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन में किसी में भी नहीं दिया गया। और स्पीकर यार वीवो फोन सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ आईक्यू
फोन यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग के, तो भाई वीवो फोन के 8+128GB वेरियंट की प्राइसिंग है 24,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ आईको फोन के 8+128GB वेरियंट की प्राइसिंग है 20,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए यार दोस्तों आईको का फोन भाई साहब 20,000 प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया है, आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हो। लेकिन भाई वीवो का ये वाला फोन तो गलती से भी बाय मत करना, हाँ इसकी जगह पर आप वीवो T3 प्रो स्मार्टफोन बाय कर सकते हो, वो फोन काफी ज्यादा बढ़िया है। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए।